कंपनी को बेचे बीज का भुगतान न मिलने से वाशिम जिले के किसानों ने वर्धा जिले के हिंगनघाट के यशोदा सीड कंपनी के आगे 2 दिन से धरना आंदोलन किया। गत 8 महीनों से भुगतान नहीं मिलने से किसान हिंगनघाट में पहुंचे और गत 3 दिन से रात दिन कंपनी के आगे ठिया आंदोलन करके कंपनी के अधिकारी और प्रबंधन को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। गौरतलब रहे कि इस ओर न तो अधिकारियों का ध्यान है और न ही प्रबंधन का। बीज निर्माण की प्रक्रिया में किसानों को खेत पर प्रयोग करके कृषि कंपनी की बीज की निर्मिति करती है, लेकिन वाशिम जिले के किसानों के प्लॉट पर ब्याज के बीज के लिए हिंगनघाट की यशोदा सीड कंपनियों ने प्रयोग किया था। इसका प्रयोग सफल भी हुआ। किसानों से 50,000 रुपए क्विंटल अनुसार यशोदा सीड ने किसानों के बीज खरीदे थे। जनवरी महीने में खरीदे गए लाखों के बीज का भुगतान अब तक इन किसानों को नहीं मिला। आखिरकार किसानों ने कंपनी में आकर ठिया लगाया। गत 3 दिन से रात दिन कंपनी के कार्यालय के बाहर ठिया लगाने पर भी कंपनी के अधिकारी और प्रबंधक ने इसकी सुध नहीं ली। पोला पर्व पर इन किसानों को भुगतान नहीं मिलने से अब वे अपने जीवन का महत्वपूर्ण त्यौहार कैसे मनाएंगे, ये सवाल किया जा रहा है। राणा पार्टी तिथे तालुका रिसोड जिल्हा वाशिम येथील कांदा उत्पादक शेतकरी आहे। आम्ही डिसेंबरमध्ये यशोदा सीड्स कंपनीचा 3,000 रुपये क्विंटल याप्रमाणे 10 क्विंटल कांदा प्रति एकरी लावण्यासाठी घेतला होता। त्यानंतर आम्ही भरपूर मेहनत केली, लागवड केली, मेहनत केली आणि रात्रंदिवस आम्ही खूप कष्ट केले आणि त्यानंतर आम्ही बियाण्याची निर्मिती केली। मी आत्माराम किसन वडकर राहणार पार्टी तिके तालुका रिसोड जिल्हा वाशिम येथील कांदा उत्पादक शेतकरी आहे। यशोदा सीडचा कांदा बियाणे आम्ही खरेदी केले आणि उत्पादन काढलं, पण उत्पादन काढून बियाणे कंपनीला देऊन आज 4 महिने पूर्ण झालेले आहेत। तरी आमच्या बियाण्याचे पैसे कंपनीने आम्हाला कोणत्याच प्रकारचे परत केलेले नाहीत। आज या ठिकाणी आलो असता आम्हाला कोणी विचारायला तयार नाही। आम्ही 2 दिवस झाले या कंपनीच्या समोर थांबलेले आहे। कष्टकार अशोक हरिभाऊ बोरकर विठ्ठल तालुका रिसोड जिल्हा वाशिम, आम्ही यशोदा सीड्सचा टोळ कांदा लावण्यासाठी 3,000 रुपये क्विंटलने घेतला होता। त्याचं उत्पन्न आम्हाला कमी झालं, तरी आम्ही कंपनीला ते झालेलं बीज उत्पन्नाचं उत्पादन कंपनीला दिलं, तरी कंपनीला आम्ही 20 कट्टे कांदा दिला, 20 कट्ट्यातले 2 कट्टे पास केले आणि 18 कट्टे फेल केले, तरी असं होऊ शकते का? आणि आज कंपनी थोडंसं पेमेंट दिलं, बाकीचं पेमेंट देण्यासाठी टाळाटाळ करून राहिली, तरी शासनाने याची दखल घ्यावी। हिंगनघाट से कॅमेरामन योगेश लखोटे के साथ रवी येनोरकर की रिपोर्ट।